आखिर क्यों भगवान देवादिदेव महादेव ने समुद्र मंथन में विषपान करने के पश्चात एक छोटे से बच्चे का स्वरूप धारण कर लिया? आखिर क्यों भगवती माँ तारा ने उन्हें अपनी गोद में उठाकर स्तनपान कराया? आखिर क्यों ये भविष्यवाणी हुई कि जब भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण अवतार इस भूलोक पर आएंगे, उसी समय पर भगवती माँ तारा का शापोद्धार हो पाएगा? नमस्ते, आप सबको मेरा प्रणाम। आप सबके आग्रह और प्रेम के कारण आज हम महाविद्या तारा का ये तीसरा एपिसोड लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। अगर आपने पहले के दो एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, पहले वो अवश्य देखकर आए ताकि आप इस वीडियो का और ज़्यादा आनंद जो है वो उठा पाए। हम सब जानते हैं कि भगवती माँ जो सती थी, देवादिदेव महादेव की अर्धांगिनी जो थी, उन्होंने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आत्मविलोपन किया था क्योंकि उनका और महादेव का वहाँ पे अपमान हुआ था, और अपमान ना सहने के कारण उन्होंने अपने पिता के सामने ही देह का त्याग कर दिया। और जब महादेव ने उनका शव उठाकर समस्त ब्रह्मांड में तांडव करना शुरू किया, उस समय पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से उनके शव का, यानी कि देवी सती के शव के 51 टुकड़े कर दिए, और वो 51 टुकड़े जहाँ पे स्थापित हुए वहाँ पे निर्माण हुआ शक्तिपीठों का। उनका दाया नेत्र गिरा बिहार में, जहाँ पे उग्र तारा पीठ की स्थापना हुई। और हमने पिछले एपिसोड में कहा कि माँ तारा के तीन स्वरूप हैं, उग्र तारा, नील सरस्वती और एक जटा। उसमें से जहाँ पे देवी सती का दाया नेत्र गिरा बिहार में, वहाँ पे आज उग्र तारा पीठ स्थापित है। उनका बाया नेत्र पश्चिमी बंगाल के उस क्षेत्र में गिरा जहाँ पे आज तारापीठ स्थापित हैं और जहाँ पे महाश्मशान बना हुआ है। कहा जाता है कि इसी क्षेत्र में महर्षि वशिष्ठ ने अपनी साधना की थी और वहीं पे वशिष्ठ का जो आसन है वो भी स्थापित है। आज की तारीख में उसी आसन पर भगवती माँ तारा के एक महानतम उपासक, जिनके बारे में हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी, उनका आसन यानी कि बामा खेपा जी का आसन जो है वो वहाँ पे स्थापित है। और ये कहा जाता है कि जो माँ तारा के महान उपासक होते हैं उन्हें माँ तारा ये आसन जो है वो अर्पण कर देती हैं, प्रदान करती हैं। और माँ तारा का तीसरा नेत्र जहाँ पे गिरा वो था सोनभद्र नदी का किनारा। इसी नदी के किनारे पर भगवान परशुराम ने माँ तारा की उपासना की और सहस्त्र बाहु को पराजित किया। ये कहा जाता है कि माँ तारा की उपासना के पश्चात ही परशुराम जी को भगवान के अंशावतार के तौर पर एक पद प्राप्त हुआ। हम सब जानते हैं कि भगवान परशुराम जो है वो भगवान विष्णु के जो मुख्य प्रधान दशावतार हैं उनमें से एक अवतार हैं। लेकिन अगर हम तंत्र शास्त्रों की माने, माँ तारा की उपासना के पश्चात ही उन्हें भगवती माँ तारा के अंशावतार के रूप में एक मान्यता प्राप्त हुई। तो ये जो तीन नेत्र जहाँ पे गिरे, ये तीनों के तीनों नेत्रों के गिरने के स्थान पर आज माँ तारा जो है वो स्थापित हैं। और हम अपनी मूल कहानी के ऊपर आए उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो महाविद्या सीरीज़ हम आप तक पहुँचा रहे हैं, यही सीरीज़ के बारे में हमने महासुर सीरीज़, जो हमारी एक बुक सीरीज़ है मृत्युंजय महासुर सीरीज़ भाग एक, उसमें भी बहुत सारी बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं। मृत्युंजय जो भाग है, पहला भाग महासुर सीरीज़ का, उसमें भगवान सोमनाथ के बारे में, ज्योतिर्लिंग के बारे में बहुत ही सुदीर्घ चर्चा हुई है। इतना ही नहीं, आने वाले भागों में 10 महाविद्याओं के ऊपर इतना सुदीर्घ ज्ञान हम आपके लिए लाना चाहते हैं कि जो ज्ञान आज तक सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों में ही निहित था। और हमारा ये प्रयास था एक तांत्रिक फिक्शनल नॉवेल के माध्यम से हम आप तक वो ज्ञान पहुंचाए जो हमारे मूल तंत्र शास्त्रों में लिखा गया है, क्योंकि हमारे पास जो पुराण हैं उनमें जो कथाएं दी गई हैं वो कथाएं कहीं ना कहीं हमें धर्म के साथ, अध्यात्म के साथ जोड़ने का प्रयास करती हैं। तो इसी कारण से हमने एक तांत्रिक फिक्शनल नॉवेल लिखी जिसके माध्यम से हम साधकों को, नई पीढ़ी को मूल तंत्र शास्त्र के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो महासुर सीरीज़ के कुल 5 भाग आने वाले हैं, उनमें हर एक भागों में
अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग तांत्रिक साधनाओं के बारे में बात की गई है, अघोर पंथ के बारे में बात की गई है, नव दुर्गा, 10 महाविद्याओं के बारे में, ज्योतिर्लिंगों के बारे में बात हुई है, भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूपों के बारे में भी वहाँ पर हमने बात की है। तो अगर आपने मृत्युंजय महासुर सीरीज भाग 1 नहीं पढ़ा तो आज ही पढ़िए। वो भाग अभी मात्र पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इंग्लिश में प्रकाशित किया गया है, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर ये जो पुस्तक है, ये जो उपन्यास है, वो हिंदी भाषा में उपलब्ध हो जाएगा। आज की तारीख में इंग्लिश और गुजराती, ये दो लैंग्वेज में ही मृत्युंजय जो है वो प्रकाशित हैं, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि हो सके उतना जल्दी हमारे हिंदी पाठकों के लिए हम ये उपन्यास जो है वो लेकर आए, ताकि सभी साधक जो तंत्र साधना के मार्ग पर और महाविद्याओं के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उन्हें एक विस्तृत और प्रमाणित ज्ञान जो है वो प्राप्त हो। अब हमारी मूल कथा के ऊपर आते हैं, जो कथा है भगवान शिव के विषपान की। समुद्र मंथन जब हो रहा था, तब वहाँ से जो हलाहल निकला, जो विष निकला, उस विष के कारण समस्त सृष्टि जो है, समस्त ब्रह्मांड जो है वो त्राही त्राही हो चुका था। अगर उस विष का पान नहीं किया जाता, अगर उस विष को किसी ने अपने अंदर समाहित नहीं किया होता, तो ब्रह्मांड का टिक पाना, ब्रह्मांड का चल पाना, ब्रह्मांड का अस्तित्व ही संभव नहीं हो पाता। तो इसी कारण से समस्त देवताओं ने भगवान देवाधिदेव महादेव की स्तुति की और उनसे ये प्रार्थना की गई कि ये जो विष समुद्र मंथन में से प्राप्त हुआ है, उसका वो पान करें। और भगवती माँ तारा जो है वो भी वहाँ पे स्थापित थी, विद्यमान थी। भगवती माँ तारा ने देवाधिदेव महादेव के सामने भगवान आशुतोष के समक्ष एक दृष्टि डाली और तुरंत ही भगवान उनका आदेश जो है वो समझ गए और समुद्र मंथन में से जो हलाहल निकला था, उनका विषपान करना उन्होंने शुरू कर दिया। विषपान के दौरान वे क्षोभित नहीं हुए, व्यथित नहीं हुए, दुखी नहीं हुए, क्योंकि वे स्वयं भोलेनाथ हैं और भोलेनाथ को इस ब्रह्मांड के लिए विषपान तो क्या, उससे ज़्यादा अगर करके भी अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो भी उन्हें कोई ग्लानि मन में पैदा नहीं हो सकती। और जब विषपान के पश्चात देवाधिदेव ने भगवती माँ तारा के सामने देखा कि तुरंत माँ तारा जो है वो पिघल गई और एक माँ की भांति उन्होंने महादेव की ओर वे आगे बढ़ी। जैसे ही भगवती माँ तारा को अपनी ओर आते हुए भगवान महादेव ने देखा, तुरंत ही विरूपाक्ष ने एक छोटे से बच्चे का स्वरूप धारण कर लिया और भगवती माँ तारा ने उनके पास पहुंचकर इस शिशु स्वरूप शिव को अपनी गोद में ले लिया और उन्होंने भगवान महादेव को स्तनपान कराना शुरू किया। जैसे जैसे स्तनपान वे कराते गए, वैसे वैसे भगवान देवाधिदेव महादेव का जो विष था वो भगवती माँ तारा के देह में समाहित होता गया और उनका जो नीला रंग था, जो भगवान महादेव को विषपान करने से प्राप्त हुआ था, वो नीला रंग धीरे 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 माँ तारा के देह में समाहित होने लगा और भगवान महादेव फिर से एक बार गौरवर्ण, कर्पूर गौरम जो है वो हो गए। और हमने एक स्तुति के बारे में बार बार सुना है, कई बार हम हमारे रोज़मर्रा के जीवन में ये जो श्लोक हैं, ये जो स्तुति हैं वो सुनते हैं। वो स्तुति है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान को कर्पूर गौरम की उपमा दी गई है, संज्ञा दी गई है। कर्पूर गौरम यानी जिनका वर्ण कपूर के समान है, कैम्फर के समान है, कर्पूर के समान है, वो है भगवान आशुतोष। तो उनका जो मूल स्वरूप था, उनका जो मूल वर्ण था, वो उन्हें प्राप्त हुआ और उनके विषपान के कारण जो नीला वर्ण उनका पड़ चुका था देह का, वो माँ भगवती को प्राप्त हो गया। और इसी कारण से जब भी आप आइकोनोग्राफी देखेंगे, जब भी आप माँ तारा का स्वरूप देखेंगे, आप पाएंगे कि माँ का स्वरूप नीले रंग का है। और जब भगवान देवाधिदेव ने माँ का स्तनपान किया और जब माँ ने ये देखा कि भगवान क्षोभित नहीं हुए, व्यथित नहीं हुए, उसी समय पे भगवती माँ तारा ने महादेव को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और उन्हें नाम दिया गया अक्षोभ्य शिव। इतना ही नहीं, माँ के द्वारा उन्हें ये वरदान दिया गया कि आपके इस महान कार्य के कारण आने वाले समय में जो भी साधक मेरी उपासना करेंगे, तारा महाविद्या की साधना करेंगे,
उनके जीवन में सर्वप्रथम अक्षोभ्य शिव को प्राप्त करना, अक्षोभ्य शिव को प्रसन्न करना अति आवश्यक बन जाएगा। अक्षोभ्य शिव की उपासना के बिना, उनकी साधना के बिना माँ तारा की जो उपासना है, साधना है, वो फलीभूत नहीं हो सकती। ये वरदान उस समय पर भगवती माँ तारा ने अक्षोभ्य शिव को दिया था। इतना ही नहीं, अक्षोभ्य शिव जो है वो एक संज्ञा है जो माँ तारा के मस्तक पर विराजमान है, जो इस ब्रह्मांड की चोटी पर विराजमान है और सब कुछ देखते रहते हैं। जो निरीक्षण करने की क्षमता रखता है वही अक्षोभ्य बन सकता है। और इसी संज्ञा को ध्यान में रखते हुए भगवान को नाम दिया गया था अक्षोभ्य शिव। और इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि भगवती सती का तीसरा नेत्र जहाँ पे गिरा था वो स्थान था सोनभद्र नदी के किनारे, जहाँ पे भगवान परशुराम ने उपासना की थी माँ तारा की। उस स्थान को आज भी अक्षोभ्य शिव पीठ के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में आज तक परशुराम जैसा क्षुभित साधक कोई नहीं हुआ। उन्होंने अपनी माँ का वध किया था पिता के कहने पर, उनकी माँ का नाम था रेणुका। उनके भाइयों ने जब पिता के आदेश को मानने से इनकार कर दिया, तब भगवान परशुराम ने पिता के आदेश को सराखों पर चढ़ाकर अपनी माँ का वध कर दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार क्षत्रिय राजाओं का वध करके इस भूलोक पर शांति स्थापित की थी और इसी कारण से वे स्वयं क्षुभित साधक थे। भगवान परशुराम जैसे एक क्षुभित साधक को भी उन्होंने अक्षोभ्य संज्ञा प्रदान की और ये माँ तारा की उपासना के कारण ही मुमकिन था, संभव था। इसी कारण से भगवान परशुराम ने उस स्थान पर माँ तारा की उपासना की और वे अपने क्षोभ में से मुक्त हुए, उन्मुक्त हुए, परम स्वतंत्र हुए। इतना ही नहीं, जो हमारी मूल कथा थी जो हमने पहले भाग से शुरू की थी माँ तारा के मूल मंत्र के साथ, माँ तारा का मूल मंत्र था ओम रिंग त्रिंग हुम फट। जब महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा को श्राप दे दिया और उन्हें चीनाचार दीक्षा प्राप्त हुई उस समय के महाचीन क्षेत्र से भगवान बुद्ध के द्वारा, तब ये मंत्र का शापोद्धार हुआ और मंत्र में जो त्रिंग बीज मंत्र था उसमें आधा स जो है वो ऐड किया गया और ये मंत्र बन गया ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट। अब कई सारे लोगों के सवाल आए थे कि अगर हम उपासना करना चाहते हैं, अगर हम माँ की साधना करना चाहते हैं तो कौन से मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे भगवान कृष्ण की बात जो है वो हमें कहनी पड़ेगी। जब भविष्यवाणी हुई कि महर्षि वशिष्ठ को इस मंत्र का शापोद्धार करना होगा, उस समय पर ही ये बात भविष्यवाणी के तौर पर कही गई थी कि भगवान विष्णु के अवतार, कृष्ण अवतार जब इस भूलोक पर जन्म लेंगे उस समय पर माँ तारा का शापोद्धार हो जाएगा। और इसी कारण से जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, अवतार धारण किया, उन्होंने जब गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठा लिया उस समय पर माँ तारा का शापोद्धार हो गया था। और इसी कारण से अगर आप डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि भगवान कृष्ण का जो वर्ण है वो भी नीला है। तो इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अवतार लेकर गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर लीला दिखाई, उसी समय पर अगर माँ तारा के मंत्र का शापोद्धार हो चुका था तो आज की तारीख में तंत्र शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर आप दोनों में से कोई भी मंत्र का प्रयोग करते हैं दोनों मंत्र आपको फलीभूत हो सकते हैं। माँ तारा का स्मरण मात्र जो है वो भी आपको महाज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। और इसी कारण से चाहे आप ओम रिंग त्रिंग हुम फट मंत्र का जाप करें या फिर ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट इस मंत्र का जप करें, दोनों में से कोई भी माँ तारा का जो मंत्र है वो एक समान शक्तिशाली साबित हो सकता है जीवन में। और भगवान कृष्ण के अवतार के साथ, उनके आगमन के साथ माँ तारा का हमेशा हमेशा के लिए शापोद्धार हो चुका था, तो इस कारण से आज की तारीख में उनके मंत्र के ऊपर कोई श्राप जो है वो नहीं है। और इसी कारण से माँ को वशिष्ठ आराधिता तारा के नाम से जाना जाता है। जो वशिष्ठ की आराधिता है वो है स्वयं भगवती माँ तारा। तो इसी के साथ आज हम ये एपिसोड को समाप्त कर रहे हैं। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताइएगा कि इस एपिसोड में कौन सी बात आपको ज़्यादा अच्छी लगी और आगे
कौन सी महाविद्या के बारे में हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाएं। अगर आप चाहेंगे तो 10 महाविद्या सीरीज़ के साथ साथ माँ तारा के बारे में हम और वीडियोस लाते रहेंगे। आपके बहुत ही सपोर्ट की आवश्यकता है और हम ये आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आपने वेदोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने मित्र एवं घर के स्वजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हमारे मूल तंत्र शास्त्र जो हैं वो आज के समाज तक पहुंच पाए। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।